रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। व्हाइट बोर्ड नहीं इधर से सही है, तुम अपने अपने नेटवर्क को चेक करो, इधर से सही है। ओके, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में ये आएगा, सबसे फर्स्ट ये है कि इफ वाई, मान लो दो फंक्शन है, एक एफ ऑफ एक्स और प्लस माइनस जी ऑफ एक्स है, ऐसा है ना, दो टाइप के फंक्शन का सम है, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, तो ये पहले इसका डेरिवेटिव हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, और फिर बीच में प्लस माइनस का साइन आ जाएगा, एंड अगेन आप इसका भी डेरिवेटिव करोगे, ठीक है। इसको अपन एक एग्जांपल से लिख लें, जैसे मान लो वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स है सपोज, ठीक है ना, या फिर एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 5 है, तो ये दो टर्म हो गए। अब यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन कर दो, डी वाई बाई डी एक्स, सो डी अपॉन डी एक्स ऑफ, मतलब पहले इसका कर दोगे और प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5 का करोगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 3x² और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 5x की पावर 4। समझ गए? अरे भाई समझ गए कि नहीं? यस कोई डाउट अभी इस पे? तो ये हो गया कौन सा वाला रूल आपका, एडिशन या सब्ट्रैक्शन का हो गया। हाँ ये अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पर भी क्या यूज कर लेते, माइनस साइन यूज कर लेते। ओके अब आता है सेकेंड पॉइंट, इफ y इज इक्वल्स टू k इज सम कॉन्स्टेंट हेयर, तो फिर इसका जो डेरिवेटिव आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ के इज एनी कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट मतलब कोई नंबर है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0। जैसे डी अपॉन डी एक्स ऑफ 5, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ 7, डी अपॉन डी एक्स ऑफ पाई, सिंपली पाई अकेला, या डी वाई बाई डी एक्स ऑफ सिर्फ ई, नॉट ई टू द पावर एक्स, ऑल द टर्म हैव 0 डेरिवेटिव, इवन 1/2, डी वाई डी एक्स ऑफ 3/2 एक्सेट्रा, कोई भी अगर नंबर आता है तो उसका डेरिवेटिव कितना होता है 0 होता है। कोई भी कांस्टेंट अगर रहे तो उसका जो डेरिवेटिव होता है वो हमेशा 0 होता है, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट अगर बट आता है। हाँ बोलो डी और D5 का कैसे होगा 0? इसका, D5 upon DX, ये फाइव 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 पाई है, वो नो सर, पाई फाइव पाई करनो, है वो, फाइव फाइव 7 के पहले 5, ये 5 का। हाँ सर, अरे कोई भी नंबर उनका डेरिवेटिव 0 होता है, मैंने इक्वल टू लिखा ना यहाँ पे, 5 और 7 इक्वल नहीं होते, बट इनका डेरिवेटिव 0 होता है, डेरिवेटिव लिखा गया है वो 5 और 7। ओके ओके 5 एंड 7 आर नॉट इक्वल, इवन 7 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू पाई, बट इनके जो डेरिवेटिव आएंगे वो सब कैसे रहेंगे आपके, 0 रहेंगे। सर, मतलब कोई भी नंबर रहा ऊपर और नीचे dx तो उसकी वैल्यू 0 रहेंगी। हाँ, और dt भी रहेगा तो भी 0 रहेगी, dy भी रहेगा तो भी 0 रहेगी, ठीक है। अच्छा सर, और अगर पावर रहा तो फिर जो आपने पहले बताया वैसे करना ना? हाँ अगर पावर रहा तो जैसे पहले किए अपन ने, कल अपन ने रूल पढ़े थे ना, उसका उसी रूल के हिसाब से अपन करते जाएंगे, मतलब जो फार्मूला पढ़े थे, जैसे ये रहा, ठीक है। ओके सर, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, एक्स की पावर 3 है, ये एक्स की पावर 5 है, ये फंक्शन थोड़ी, यहाँ पे के इज सम नंबर, तो के अगर कोई नंबर है, जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिया मैंने, इफ एग्जांपल में ले लिया वाई इक्वल्स टू सपोज सिर्फ 2 है, तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2, इसका डेरिवेटिव कितना होगा 0 होगा, ऐसा। ओके समझ गए? तो
कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है? जीरो। कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, और जो फंक्शन है फिर उसको आप वैसे ही सॉल्व करते हो जैसे अपन ने सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, समझ गए कि नहीं? Yes. ओके, तो इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग अभी। ले लिए सर। अरे टाइम का यार तुम लोग ना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, लेट क्यों होते हो बेटा? जल्दी टाइम को उठा करो ना, 10 मिनट पहले उठा करो ना, तुम्हारे नुकसान है इसमें। मैं चालू कर दूंगा क्लास, ध्यान रखना, मैं वेट नहीं करूंगा अभी। आप लोग उठा करो टाइम से। सो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन ये हो गया, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का आप इस तरह से करोगे, और अगर कोई कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है? जीरो होता है। एक बार देख लो वहां बस, ठीक है, एक बार देख लो। एक बार स्क्रीन पे देख लो, आगे बढ़ने वाला हूं मैं अब। चलो अगले रूल पे आते हैं अपन अब। हाँ, अगले रूल पे आते हैं अपन। पेज नंबर 2, और अगला रूल है कि अगर कांस्टेंट के साथ में डेरिवेटिव आता है तो फिर कैसे करना है। ठीक है, कांस्टेंट के साथ में अगर डेरिवेटिव आता है तो फिर कैसे सॉल्व करना है। जैसे मान लो आपका दिया हुआ है यहाँ पे थर्ड रूल, इफ y इज इक्वल्स टू k इनटू f ऑफ x, मतलब के क्या है यहाँ पे, के इज सम कांस्टेंट और फिर उसका प्रोडक्ट है एफ ऑफ एक्स के साथ में, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा डी वाई बाई डी एक्स ऑफ डी अपॉन डी एक्स के इंटू एफ ऑफ एक्स, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और ठीक है, फिर किसका डेरिवेटिव होगा? एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होगा। मतलब अगर कांस्टेंट के साथ में है तो कांस्टेंट को क्या कर देते हो आप, डेरिवेटिव से बाहर कर देते हो और उसके बाद फिर उसको सिंपलीफाई कर देते हो। ठीक है, तो कांस्टेंट को हमने यहां पर से बाहर निकाल दिया, उसके बाद फिर इसको क्या कर दिया, यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं अपन, इसके एग्जाम्पल देखते हैं अपन। एग्जाम्पल ये है, मान लो y इक्वल्स टू 4x2 है, या फिर कुछ ले लूं मैं यहाँ पे, सपोज दिस इज 10x4 है, सपोज तो 10 क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, लेकिन अगर सिर्फ 10 रहता तो उसका डेरिवेटिव कितना होता? जीरो। तो यहाँ पे हमको क्या करना, मान लो इसको डिफरेंशिएट करना है, dy अपॉन dx, d अपॉन dx ऑफ 10x4। तो ये जो रूल है, पहले इसको देख लो, कांस्टेंट के साथ अगर फंक्शन है तो इसको 10 बाहर आ जाएगा और आपको किसको डिफरेंशिएट करना रहेगा? सर इसमें दो दो रूल लगेंगे ना? क्या दो दो रूल लगेंगे ना सर? उसमें x टू द पावर 4 भी है ना, तो उसका भी रूल लगाना पड़ेगा ना? हाँ, वो भी लगाना पड़ेगा ना, दो रूल लगेंगे ना यहाँ, मतलब अभी यहाँ पे इसके लिए फिर फार्मूला यूज करना पड़ेगा, और फार्मूला क्या पढ़े थे अपन ने, d डिवाइडेड बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n का फार्मूला n x टू द पावर n माइनस 1, ये फार्मूला लगेगा ना। ठीक है, समझ गए? तो एक तो यहां तक हो गया, अब इसमें जब ये फार्मूला लगा रहे तो 4x की पावर 4 माइनस 1, सो दिस कम्स आउट टू बी 4 इंटू 4x की पावर 3, और फिर आप ये 10 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो दिस इज 40x टू द पावर 3। समझ गए कि नहीं? क्लियर हो गया अभी? Yes. हाँ, अब इसमें एक बात ध्यान रखो, हमको फिजिक्स में इतनी सारी स्टेप से कोई मतलब नहीं है, ये 3 स्टेप हमारे लिए यूजलेस हैं। क्या आप डायरेक्ट कर सकते हो?
डायरेक्ट कर सकते हो, मतलब इसके बाद क्या सीधा लिख सकते हो कि नहीं? ये लिखा है इसके बाद ये सीधा, मतलब आपको इतनी स्टेप लिखने की जरूरत नहीं, आपने देखा कि इस तरह से है तो डायरेक्ट हो जाएगा 4×10^40 x^3 खत्म हो गया, सीधा लिख दो। समझ गए? अरे माइक म्यूट रखो, माइक म्यूट श्रेया, माइक म्यूट रखो बेटा, श्रेया माइक म्यूट कर दो। हाँ अभी समझ गए इतना? कोई डाउट? अभी डायरेक्ट कर सकते हो, मतलब आपको वो बीच की स्टेप लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधा सीधा कर सकते हो, ठीक है? बीच की स्टेप। हाँ बोलो सर, नेटवर्क की वजह से रीएंटर कर रहा। हाँ कर लो रीएंटर। पेज नंबर 3 पे कुछ अब एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पे और सॉल्व करने के लिए, ठीक है? पेज नंबर 3। अभी देखो कुछ और एग्जांपल्स आएंगे इस पे। अब थोड़ा और अपन अलग से ले रहे हैं। मान लो y इक्वल्स टू 4x² + 3x या फिर -5x + 10 ऐसा, देन डिफरेंशिएट y with respect to x, y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे सॉल्व करोगे? देखो इसका सॉल्यूशन dy अपॉन dx, और यहां पे आ जाएगा d अपॉन dx ऑफ 4x² - 5x + 10। समझ गए कि नहीं? पहले y की जगह पे अपन ने जो फंक्शन है उसको रख दिए। समझ गए इतना? ध्यान से समझना। अब dy अपॉन dx, पहले क्या बचेगा? 4x² बचेगा, फिर माइनस d अपॉन dx ऑफ क्या बचेगा? 5x बचेगा, और प्लस d अपॉन dx ऑफ क्या बचेगा? सिर्फ 10। आया ना? मतलब इसको सबके साथ में लिख दिया अपन ने। समझ गए? समझ गए कि नहीं इतना? समझ गए। yes, sir. सर इसके आगे का करें क्या हम? क्या इसके आगे का करें क्या हम? हाँ इसके आगे का बन जाएगा। हाँ सर, 8x - 5, 8x - 1, नो नो, 8x - 5 नहीं आएगा, 5x आएगा। x क्यों आएगा रे भाई? देखिए 8x - इसका डायरेक्ट कितना आएगा? पहले 4 बाहर निकाल दोगे, फिर dy/dx ऑफ x² रहेगा माइनस, यहाँ पर से 5 बाहर आ जाएगा। अब dx अपॉन dx है ये, हाँ, और इसका आंसर आगे 0, d अपॉन dx ऑफ 10। समझ गए कि नहीं? क्योंकि ये सिर्फ कांस्टेंट है, और कांस्टेंट अगर आ गया उसको 10 को बाहर नहीं निकालना। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पे सर में ये 10 को बाहर निकाल दूं और फिर d अपॉन dx, अब यहाँ पे किसका डेरिवेटिव कर रहे? नहीं, ये एक्चुअल में सिर्फ कांस्टेंट है, इसलिए आप यहीं पर ये वाली जो वैल्यू है ये कितना हो गया आपका? 0 हो गया, ठीक है? और आगे ध्यान रखो, अगर मान लो dx अपॉन dx है तो यहाँ पे पावर 1 है, तो पावर 1 x की पावर 1 - 1, 1 - x की पावर 0, किसी भी टर्म की पावर 0 मतलब 1, ठीक है? तो dx अपॉन x का आंसर हमेशा 1 आएगा। तो ये आगे से तुम लोग पूरा ध्यान रखो इस तरह से, अगर कहीं पे dy अपॉन dy है तो भी आंसर 1, dt अपॉन dt है तो भी आंसर 1, ठीक है? समझ गए कि नहीं? d थीटा अपॉन d थीटा है तो भी आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये और कुछ ऐसा भी समझ सकते हो कि अगर मान लो dx अपॉन dx लिखा है तो ये तो कट गया, कितना बचा? 1 बचा। वैसे भी समझ सकते हो आप, समझ गए कि नहीं? रूल से भी निकाल सकते हो। अरे भाई समझ गया या डाउट है कोई? यस सर। तो
तो अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट बता सकते हो क्या, यहाँ पे पावर सामने आ जाएगी 2, फिर x की पावर 2 माइनस 1 माइनस 5, और ये dx dx कट गया, यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा, तो दिस इज 8x टू द पावर 1 माइनस 5 या सिंपली 8x माइनस 5। ठीक है, समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? हाँ, कोई डाउट? अभी देखो, हमको ये वाली स्टेप से कोई मतलब नहीं है, ये जितनी भी स्टेप हैं, क्या आप इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हो? ये लिखा हुआ है सीधा, यहाँ पे 4 टू जा, ये बचेगा 8x और ये x चला गया, मतलब सिर्फ बचेगा माइनस 5। आप इसका आंसर सीधे भी लिख सकते हो, फिजिक्स में हमको ये स्टेप से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फिजिक्स में आप सीधे आंसर लिख सकते हो, स्टेप्स का मतलब नहीं है डिफरेंशिएशन के, क्योंकि आप फिजिक्स कर रहे हो, मैथ्स नहीं कर रहे हो। ठीक है, समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे भाई समझ गए या नहीं? यस सर। कोई डाउट अभी इस पे? कोई डाउट है बेटा? नो सर। अभी स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए तो अब अपन इसके आगे बढ़ते, मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं, अब इसको ट्राई करो तुम लोग, कितना आता है ना। पेज नंबर 4, सो दिस इज पेज नंबर 4 और क्वेश्चन ये है यहाँ पे, इफ एक्स इक्वल्स टू टी क्यूब माइनस 5t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 2। ठीक है, इसको क्या करना, आपको डिफ्रेंशिएट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना। ठीक है, फिर दूसरा एग्जांपल यहाँ पे लिख देते हैं, टी स्क्वायर माइनस 5t टी स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, नाउ डिफरेंशिएट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी। पहले वाले का आगे आंसर डायरेक्ट कर दिए क्या? यस सर। आंसर क्या आएगा बताओ? 3t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 10। 3t स्क्वायर माइनस 5 इज 10। थोड़ा सोच समझ के जवाब दो, थोड़ा सोच समझ के जवाब दो भाई। ठीक है, चलो देखते हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या जाएगा यहाँ पे, dx अपॉन dt, d अपॉन dt, x की वैल्यू t क्यूब माइनस 5t स्क्वायर प्लस 10t एंड देन प्लस 2। ठीक है, समझ गए? अरे भाई समझ गए कि नहीं? सॉल्व कर दो जरा, कितना आएगा अब ये सॉल्व कर दो, अलग अलग करूं कि डायरेक्ट कर दूं? इसका टर्म आ जाएगा 3 और ये t स्क्वायर हो जाएगा, इसके लिए 2 सामने, तो 2 इंटू टी की पावर 1 बचेगा और इसमें सिर्फ 10 बचेगा और 2 का क्या हो जाएगा, 0। हाँ या ना? हेलो, देख लो अभी 5। और अगर किसी को नहीं समझा तो मैं पूरा एक्सपांड कर देता हूँ, देख लो, हमको वैसे सीधे सीधे करते आना चाहिए। d अपॉन dt ऑफ t क्यूब माइनस d अपॉन dt ऑफ 5t स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस d अपॉन dt ऑफ 10t एंड प्लस d अपॉन dt ऑफ 2। सो आफ्टर सॉल्विंग यहाँ पे 3t की पावर 3 माइनस 1 माइनस 5 और फिर 2t की पावर 2 माइनस 1 प्लस 10 और ये बचेगा dt अपॉन dt और ये लास्ट टर्म का डेरिवेटिव हो गया 0।
So this is 3t square minus 10 t की पावर 1 plus 10 dt से dt कट गया कितना बचा 1. So this is 3t square minus 10 t plus 10 is the answer. ठीक है समझ गए? अरे भी समझ गए कि नहीं? हेलो यस सर. हाँ आपको ये स्टेप से कोई मतलब नहीं है, ये स्टेप अगर नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ध्यान रखना ये स्टेप हमारे लिए यूजलेस स्टेप है, उन स्टेप्स को अगर आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा. ठीक है कोई काम की नहीं है वो स्टेप हमारे लिए. तो सेकंड का आ गया मेरा. हाँ अभी सेकंड वाले को कैसे करना है, पहले देखो पहले इसको सॉल्व कर लो. टी स्क्वायर प्लस 40 क्यूब प्लस 6 तो ये बचेगा तुम्हारा टी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 into 4 और प्लस 4 का स्क्वायर, तो ओवरऑल हो गया टी की पावर 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस 16. इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा, तो ये एक्सपैंड करोगे तो ये आएगा पहले. समझ गए? अरे समझ गए? इसको एक्सपैंड करोगे, अब आप डिफरेंशिएट कर दो तो dx अपॉन dt, सो d अपॉन dt ऑफ t की पावर 4 प्लस 8t स्क्वायर प्लस 16. तो अब डायरेक्ट बता सकते हो क्या इसका? तो ये बन जाएगा 4t क्यूब प्लस 16t एंड प्लस 0. सो दिस इज द डेरिवेटिव. ठीक है देखो अरे समझा कि नहीं समझा बेटा? हेलो समझ गए? कोई डाउट है किसी में? सर और दो आप और दे रहे हैं? नो डाउट. चलो और एग्जांपल देते हैं अभी, अब इनको फटाफट कर रहा हूँ. हाँ ले लो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो. दिस इज पेज नंबर 4. सर इसके और रूल बाकी है क्या? क्या इसके और रूल बाकी है कि इतने थे? और रूल है ना दो तीन और, मतलब अपने लिए जितने जरूरी मैं उतने बता रहा हूँ. फिजिक्स में जितने जरूरी है बाकी की जरूरत नहीं हमको, बाकी मैथ्स में करोगे जितने फिजिक्स में जरूरत होती है उतने अपन डिस्कस करते हैं. फिर एक और एग्जाम्पल, इफ एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 4 डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t. ठीक है करो जल्दी से, डायरेक्ट बताने की कोशिश करो. इफ y इज टू 2t प्लस 10 माइनस 2t माइनस 10 माइनस 10 कितना? 2t माइनस 10 8t माइनस पावर टी प्लस लॉग टी माइनस माइनस टी क्यूब, इसको डिफरेंशिएट ये आएगा 5 माइनस 2t स्क्वायर 5 माइनस 3t. सो d अपॉन टी ऑफ t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 4 इसका कितना आया बेटा? ये आंसर आया क्या 2t माइनस 10 सर 2t माइनस यस सर यस सर. फिर इसका आंसर बताना dy अपॉन d स्क्रीन पॉज हो गई माइनस 5 8t माइनस 5 8t minus 5. ओके वेरी गुड. फिर अगले वाले का बताओ. 3t square. और बाकी क्या होगा? साइन का क्या आएगा भाई? cos.
दिया जाएगा एट टी माइनस फाइव, हाँ डायरेक्ट लिख दिया मैंने एट टी माइनस फाइव डिवाइड बाई डी टी, ठीक है। फिर इसका आंसर डी एक्स अपॉन डी टी, चलो थोड़ा सा लिख दू मैं, डी एक्स अपॉन डी टी टी क्यूब प्लस साइन टी, तो ये हो जाएगा थ्री टी स्क्वायर, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस टी जीरो, जीरो साइन का डेरिवेटिव फार्मूला देखो अभी, और फार्मूले को ना एक चार्ट बना लो कॉपी पे आप लोग और उसको साथ में रखा करो, ठीक है। तो थ्री टी प्लस थ्री टी स्क्वायर प्लस कॉस टी, अब इसका डेरिवेटिव बताना है, डी एक्स अपॉन डी टी डी अपॉन डी टी ऑफ फाइव ई की पावर टी प्लस लॉग टी माइनस टी क्यूब, तो ये कितना आएगा फाइव, और e की पावर t का वही रहता है वो, e की पावर t प्लस 1 बाय t, यस log t का डेरिवेटिव 1 बाय t, और माइनस यहां पे t माइनस 3t स्क्वायर, हां ये देख लो एक बार और अभी, समझ गए? यस समझ गए, डाउट है सर ये log वाला बता लो, लॉग का फार्मूला, लॉग का डेरिवेटिव का फार्मूला देख कल जो पढ़े थे अपन ने, कल या शायद परसों, कल ही पढ़े थे, हाँ कल ही पढ़े थे, कल देखो वो पूरे फार्मूले एक बार और कॉपी में पलट के देखो, पेज पलट के देखो, मिल गए? यस सर समझिए, समझ गए? किसी yes, को कोई डाउट किसी को यहां तक, कोई डाउट? नो डाउट, नो डाउट। अब अपन कुछ रूल और देख रहे हैं, अभी थोड़े से और रूल हैं, अब प्रोडक्ट रूल देख रहे हैं अपन और फिर कोशिएंट रूल, वैसे तो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती, प्रोडक्ट के में काम हो जाता अपना। पेज नंबर सिक्स अभी है प्रोडक्ट रूल, हाँ प्रोडक्ट रूल, मान लो y इक्वल्स टू दिया हुआ है f ऑफ x इंटू g ऑफ x, तो इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू d अपॉन डी एक्स ऑफ f ऑफ x इंटू प्रोडक्ट है यहाँ, प्लस नहीं है, कैसे करोगे, तो आप इसको फर्स्ट मान लो और इसको सेकेंड मान लो, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, बस ये हो गया प्रोडक्ट रूल आपका, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसमें फर्स्ट और सेकेंड आपकी चॉइस है, किसी को भी मान सकते हो आप, फर्स्ट इसको ले सकते हो सेकेंड इसको ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, सो दिस इज द प्रोडक्ट। हाँ सर अगर y इज इक्वल टू 5x इंटू 3x दिया तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं क्या 15x स्क्वायर? हाँ डायरेक्ट कर सकते हो, अगर मान लो आपने एग्जाम्पल लिखा y equals to 5x into 3x है, so it is 15x square है सीधा सीधा, आप सीधे कर दो या फिर ये रूल लगा के करोगे तो भी वही आंसर आएगा 30x, ठीक है, रूल लगाकर भी सॉल्व करोगे तो आंसर 30x ही आएगा, ठीक है, ये सीधे सीधे भी कर सकते हो, समझ गए, बट जो प्रोडक्ट रूल है वो इस तरह के लिए यूज नहीं करते क्योंकि ये तो सीधे सीधे हो जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल देख लो, y equals to suppose तुम्हारे पास में है 10x square इंटू साइन एक्स, अब ये अलग अलग है, ठीक है, अच्छा ऐसा हो जाएगा क्या, ये सीधा सीधा ऐसा लिख सकते हो क्या, टेन फिर साइन और एक्स, एक्स अलग था तो एक्स क्यूब, ऐसा लिख सकते हो क्या,
ऐसा लिख सकते हो क्या? लिख सकते हो क्या? लिख सकते हो क्या? यस और नो? हाँ, ये गलत है, ये बहुत भयंकर वाली मैथ से ये, मतलब अपन कर ही नहीं सकते इसको, ऐसा ऐसा होता नहीं है। तो ये अलग फंक्शन हो गया आपका साइन एक्स, और ये एक अलग फंक्शन हो गया, और टेन यहाँ पे कॉन्स्टेंट है। तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन एक्स स्क्वायर फिर साइन एक्स। तो अब यहाँ पे पहले टेन बाहर निकाल दो, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। तो अब इसको फर्स्ट ले लो और इसको सेकेंड फंक्शन ले लो और फिर सॉल्व कर दो, ठीक है? तो फर्स्ट फंक्शन ये फार्मूला लग जाएगा, आपका रूल लग जाएगा, एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज साइन एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन साइन एक्स और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है? तो ये सॉल्व कर दोगे आप तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया? कॉस एक्स प्लस यहाँ पे साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया? टू एक्स। इसको और तुमको अगर चाहिए कि भाई मैं और इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो, या ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। सो दिस इज टेन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस टेन टू जै ट्वेंटी एक्स साइन एक्स, ऐसा भी लिख सकते हो ये, ठीक है? तो ये आ गया इसका आंसर। अरे भाई समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? सर आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ बोलो सर। अगर वहां पर y इज इक्वल टू 10x x स्क्वायर इनटू 10 sin x दिया रहता तो 10 भाई वो उसको 100 हो जाता ना, उसको 100 को बाहर निकालना पड़ता है सर भाई। जितने भी कांस्टेंट टर्म आपको वहां पे देख रहा है उनको बाहर निकालना पड़ता है, ठीक है? सर मल्टीप्लाई करके बाहर निकाल देना है ना? यस, मल्टीप्लाई करके बाहर निकाल देना, बात तो एक ही है ना वहां पे, ठीक है? समझ गए इतना कि डाउट है अभी भी? नो डाउट सर। हाँ बोलो सर। आपने x स्क्वायर को नीचे में 2x ले लिए, कहाँ पे? ये x स्क्वायर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? x स्क्वायर का डेरिवेटिव, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा ना? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा? 2x। लिख दिया, समझ गया? समझ गए? हेलो। यस सर। मिटा दूं? हेलो, मिटा दूं इसको? Yes, इनका बस एक इंट्रोडक्शन था, बहुत ज्यादा यूज नहीं होते हैं ये, है ना? तो मैं जितने यूज होते हैं उस तरह से बता रहा हूं। देन है कोशियंट रूल। कोशिएंट रूल बोलते हैं, इसके पहले प्रोडक्ट रूल था, मतलब y इक्वल्स टू f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर टाइप का फंक्शन। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे? dy by dx ऑफ d अपॉन dx, मैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म पे लिख रहा हूं, आप आसानी से याद करोगे। डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ये ऐसा होता है, ठीक है? ये फार्मूला, इसको याद रखना। एक बार फिर से बताइए ना, अगर फंक्शन आपका एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स के फॉर्म पे है, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म पे है, तो ऐसे करना है, ठीक है? देख ले तू, देख ले, समझ जाएगा, कुछ है नहीं मुश्किल वहां पे, बस डायरेक्ट ही है, इसको याद रखना है बस, ठीक है? क्या करना पड़ेगा? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है? तो जैसे एक एग्जांपल अपन देखें यहाँ पे, मान लो y इक्वल्स टू
क्या लिखा गया है, साइन एक्स अपॉन या फोर साइन एक्स अपॉन ई की पावर एक्स है सपोज, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं अपन। तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे डी बाय अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ फोर, फिर साइन एक्स डिवाइडेड बाय ई की पावर एक्स। अगर मान लो यहां पर भी मैं कितना ले लूं, 10 ले लूं, या सपोज चलो मैंने 3 ले लिया है ना, तो क्या करना पड़ेगा बताओ अभी यहाँ पे। तो एक्चुअल में ये जो 4 बाई 3 है ये बाहर रह जाएगा पहले डेरिवेटिव से, क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंट था, dy बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन ई की पावर एक्स। समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? समझ गए कि नहीं? तो जो कॉन्स्टेंट है उनको पहले बाहर निकाल दिए अपन ने। अरे बेटा समझ गए या नहीं? समझ गए। एक और एग्जांपल ले लो। हाँ अभी, अब इसको सॉल्व तो करने दो, पहले इसको सॉल्व तो करें, पूरा सॉल्व थोड़ी हुआ है। तो अब आपके पास में क्या है, 4 बाई 3 डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन ई की पावर एक्स। अब ये वाला फार्मूला लगाना है, तो यहां पे आ जाएगा 4 बाई 3, फार्मूला लगाओ भी 4 बाई 3 बाहर रहेगा। अब डिनोमिनेटर मतलब ई की पावर, फिर dy by dx of sin x, फिर माइनस, फिर sin x, और फिर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अभी देख लो, देखो सामने सामने लिखा मैंने इसलिए। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं सर? 1 मिनट। हाँ देख लो, देख लो, मैं रुका हुआ, कोई ऐसा नहीं अपने को, देखो जल्दी से। ओके सर। ओके, तो अब इसमें 4 बाई 3 ई टू द पावर एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स। मतलब ये दो बार है ना, ई टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर, तो आप दो बार लिख सकते हो ऐसा, हाँ या ना? और आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या, और आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या? यस सर। हाँ, कैंसिल हो जाएगा ना सर, एक्स एक्स, एक न्यूमरेटर में से मतलब यहां पर में से ई की पावर एक्स को एक बाहर निकाल दोगे आप, तो एक ई टू द पावर एक्स कैंसिल हो जाएगा, मतलब मैं यहां पे लिख दे रहा हूं ठीक है, इधर पे, तो आंसर आएगा 4 बाई 3 e की पावर x एक बाहर निकाल दिए, cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय e की पावर x इंटू e की पावर x, तो एक e की पावर x कैंसिल हो, अभी इतना आएगा फाइनल आंसर। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं सर? समझ गए। यस सर, समझ गए। लेकिन दोनों कैंसिल हो सकते हैं। दोनों कैसे कैंसिल होंगे यार, ऐसा थोड़ी दोनों कैंसिल होंगे, ऊपर डिफरेंस में है ना भाई, दोनों कैसे कैंसिल होंगे, अच्छे से देखो ऐसे कौन सी मतलब, ठीक है? समझ गए? हाँ सर। स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का भी। ले लिए? मैंने यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन बता दिया तुमको, ये बहुत मतलब प्रोडक्ट रूल एंड कोशेंट रूल का आगे यूज होते, तो फिर वहां सॉल्व करते ही अपन, होता क्या है ये मैंने बता दिया, इसलिए मैं इसके एग्जांपल की भी प्रैक्टिस नहीं करवा रहा हूँ, जहाँ जो ज्यादा यूज होते मैं उनकी प्रैक्टिस करवाता हूँ, ठीक है ना? जैसे वो ज्यादा यूज होते तो उनकी प्रैक्टिस मैंने ज्यादा करवा दिया था। क्लियर? हेलो, अभी इनिशियल स्टेजेस पे। एंड देन अगला कुछ एक सवाल पूछो। हाँ पूछो पूछो सुख, क्या अरे डेरिवेशन और इंटीग्रेशन में फर्क क्या होता है? अभी इंटीग्रेशन पढ़ेगा तो फर्क खुद ही समझ जाएगा, अभी तो डेरिवेशन चल रहा है, डिफरेंशिएशन, ठीक है? हाँ तो सर दोनों में मतलब एक पॉइंट बताइए ना सिर्फ। देख जो डेरिवेशन और इंटीग्रेशन है ना, ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, जैसे प्लस और माइनस हो गया, तो वैसे ये समझ ले तू, ठीक है?
यस सर। बस अब इतना ही ध्यान रखना, ज्यादा नहीं सोचना उस पर। अब मैं कुछ फार्मूले बता रहा हूँ, ये फार्मूलों को भी ध्यान में रखना। हालांकि ये फार्मूले नए नहीं है, बिल्कुल वैसे ही है जैसा पढ़े अपन ने, नए नहीं है फार्मूले, जैसा पढ़े बिल्कुल वैसे ही है। मैं इनको फार्मूले के हिसाब से ही बता रहा हूँ, आप उनको डिराइव कर सकते हो, सिंपल निकाल सकते हो, बट हमारे लिए डेरिवेशन कोई काम का है नहीं, इसलिए मैं उसके पचड़े में नहीं जा रहा हूँ। मैथ्स में ऑलरेडी आप लोग करोगे, सीखोगे, और नीट वाले जो बच्चे उनको करने की भी जरूरत है नहीं उतना। आप सीधे सीधे ये ध्यान रखना है, पेज नंबर 7 देखो अभी। हाँ, पेज नंबर 7 पे डी अपॉन डी एक्स ऑफ, अगर मान लो फार्मूला है ए एक्स प्लस बी पूरे की पावर एन, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? तो इसका डेरिवेटिव एन ए एक्स प्लस बी पूरे की पावर एन माइनस वन इंटू ए, ये जो एक्स का कोफिशियंट है वो प्रोडक्ट में आ जाएगा पूरे टर्म के बाहर चल के, ठीक है? ये ऐसा सीधा सीधा करना है ये, हालांकि आप डिराइव कर सकते हो इसको जो पुराने फार्मूले और एक और कुछ सब्स्टिट्यूट कर गए, बट वो सब मैं नहीं बता रहा हूँ, वो हमारे लिए दो लेक्चर खा जाएगा, हमारे लिए वो कोई काम का भी नहीं है, है ना? तो आप सीधे सीधे करो, अगर आपको इस तरह का फॉर्म दिख रहा है तो आप डायरेक्ट कर दो। मैं इसका एक एग्जाम्पल भी यही नीचे लिख दे रहा हूँ जिससे आपको याद रहे। सपोज 2x-4 की पावर 10 है, तो इसका डेरिवेटिव क्या जाएगा? 10 फिर 2x-4 पूरे की पावर 9 बचेगा इंटू 2 आ जाएगा, मतलब जो x का कोफिशियंट है उसको आप सामने लिख दोगे, ठीक है? समझ गए? समझ गए। फिर दूसरा फार्मूला सर, आगे सॉल्व नहीं करने से? नहीं, अब 10 की पावर 9 कैसे सॉल्व करेगा? तो इसको ज्यादा से ज्यादा ये लिख सकता है, तू 20 × 2x-4 की पावर 9 लिख सकता है ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं होगा। डीवाई बाई डी एक्स ऑफ ए साइन बी एक्स प्लस सी है, तो इसमें जो a है वो तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, और साइन का डेरिवेटिव आएगा कॉस बी एक्स प्लस सी इंटू बी, एक्स का कोफिशियंट बी है तो बी का प्रोडक्ट करेगा, ठीक है? ये बन गया ऐसा, समझ गए? तो ये बी जो है ना वो बाहर है, वो सभी के बाहर है, मतलब आप ए बी कॉस ऐसा लिख सकते हो फिर इसको, दिस कैन बी रिटन एज ए बी कॉस बी एक्स प्लस सी होता है। और कुछ बच्चे बड़ा बहुत ज्यादा ओवर ज्ञानी हो जाते तो वो ये बी का मल्टीप्लाई यहाँ कर देते, नहीं बी का मल्टीप्लाई अंदर नहीं करना, वो एंगल के साथ में ध्यान रखना, ठीक है? क्लियर हो गया अभी कि नहीं? और तीसरा फार्मूला जैसे डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए कॉस बी एक्स प्लस सी है, तो सीधे सीधे लिख दूं मैं, ये आ जाएगा आपका ए बी, और कॉस का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन बी एक्स प्लस सी, ठीक है? समझ गए कि नहीं? या फिर आप लिख लो वैसा ए फिर इंटू बी, मतलब फार्मूला वही चल रहे हैं बिल्कुल वैसे ही आप लिख रहे हैं। सो दिस इज माइनस ए बी इंटू साइन बी एक्स प्लस सी, क्लियर हो गया इतना? कोई डाउट है? याद रखना पड़ेगा ये है? फिर फोर्थ, अब देखो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ, अगर ई की पावर जैसे ए एक्स है, तो ई की पावर यहां पे जब आंसर आएगा इसका ई की पावर ए एक्स इंटू ए, मतलब ये ऐसा रहेगा आंसर। एंड फिफ्थ, अगर मान लो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ए एक्स प्लस बी है, तो इसका जो आंसर आएगा लॉग का आंसर होता है 1/ax + b (a), ये इस तरह से बनेंगे। और भी थे, मैं जितने हमारे लिए काम के हैं मैंने उनको डिस्कस किया जो हमारे लिए फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, जैसे tan वगैरह, cot, cosec, sec, ये बहुत ज्यादा यूज नहीं होते इसलिए मैंने उनको लिखा ही नहीं है, पर उनका भी आंसर इसी तरह से बनता है, ठीक है? समझ गए? हाँ या ना? अरे समझ गए? लॉग का डेरिवेटिव 1/ आता पूरा की पूरा वही आ जाएगा, और बस x का कोफिशियंट यहाँ पे सामने आ जाएगा मल्टीप्लाई होके, वैसे ही e टू द पावर ax में, तो e टू द पावर ax का डेरिवेटिव as such e टू द पावर
एक्स ही रहेगा, लेकिन एक्स का जो कोफिशियंट है वो सामने मल्टीप्लाई होके जाएगा। तो ये फार्मूलों को ध्यान रखना है, चार्ट प्रिपेयर कर लो इनका, ठीक है। हेलो, अरे सम